हाँ भाई, तो कल जो है देखिए अपन ने पढ़ा था विलयन की परिभाषा, विलयन के प्रकार और सांद्रता। तो मैंने कल आपको सांद्रता को मापने के कुछ मापक्रम बताए थे, तो वो मापक्रम देखेंगे। पहला मापक्रम है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत को इस प्रकार से दर्शाएंगे, इसका प्रतीक है प्रतिशत, डब्ल्यू ऑब्लिग डब्ल्यू। अब इसका सूत्र देखिए, विलय का ग्राम्य भार बटे विलयन का भार गुणा 100। तो विलय और विलयन दोनों का ही भार किस में लेना है, ग्राम में लेना है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, परिभाषित देखेंगे कि विलय के भार भागों की वह संख्या, विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भाग में घुली हुई हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। फिर से देखेंगे, विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भाग में घुली हुई हो, उसे क्या कहेंगे भाई, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। दूसरा देखेंगे आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान को W भार हो गया, इसलिए W से दर्शाया था। आयतन वॉल्यूम V से दर्शा देंगे, प्रतिशत V ऑब्लिक V। फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, यहाँ भार की जगह आयतन लिख देंगे। तो विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, यहाँ आयतन लीटर में न लेके ML में लेना है, और गुणा कर देंगे 100 से। परिभाषा देंगे इसकी, अपने पास परिभाषा दे देंगे इसकी। परिभाषा ये देंगे कि विलय जो है, विलय जो पदार्थ है अपने, विलय के आयतन भागों की संख्या, विलय के आयतन भागों की संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में घुली हुई हो, क्या परिभाषा देंगे, विलय के आयतन भागों की संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में घुली हुई हो, उसे कहते हैं आयतन प्रतिशत। देखिए यहां था विलय के भार भागों की संख्या जो विलयन के 100 भार भाग में घुली हुई हो, किसमें घुली हो, विलयन के 100 भार भाग में। और यहाँ क्या लिखना है, विलय के आयतन भागों की संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में घुली हो। यहाँ अपन भार शब्द काम में ले रहे थे, भार की जगह आयतन शब्द काम में ले लेना, परिभाषा सेम। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान के लिए डब्ल्यू और आयतन के लिए वी, तो प्रतिशत डब्ल्यू ऑब्लिक वी। सूत्र हो जाएगा विलय का ग्राम्य भार बटे विलयन का आयतन गुणा में 100। क्योंकि यहाँ विलय को द्रव्यमान में दर्शाया गया, इसलिए भार लेंगे, और आयतन जो है विलयन को आयतन में प्रदर्शित किया गया, इसलिए ML में लेंगे। परिभाषा वही दे देंगे अपने पास, क्या है, विलय के भार भागों की संख्या जो किसमें घुली हो, विलयन के 100 आयतन भाग में घुली। विलय के भार भागों की संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में घुली हुई हो, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। तो ये अपने पास सांद्रता को मापने के तीन मुख्य मापक्रम थे। फिर से रिपीट करेंगे, फॉर्मूला अपन ने देख लिया है, परिभाषा देंगे इसकी। विलय के भार भागों की संख्या जो विलयन के 100 भार भाग में घुली हुई हो, विलय के भार भागों की संख्या जो विलयन के 100 भार भाग में घुली हुई हो, द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में विलय के आयतन भागों की संख्या, भार की जगह क्या लगा देना है, आयतन। विलय के आयतन भागों की संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में घुली हो। द्रव्यमान आयतन में क्या लिखना है, विलय के भार भागों की संख्या, क्योंकि ये ग्राम में है तो यहाँ भार लगा दिया, विलय के भार भागों की संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में घुली हो, उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा पे इतना फोकस नहीं करना अपने को, ये देखना है कि फॉर्मूला जो है वो क्या है, फॉर्मूला अपने को याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूले के ऊपर अपने पास कई बार जो है वो न्यूमेरिकल पूछ लेता है। चलिए।